गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में अध्ययन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया, इनके कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में अपन ने अध्ययन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो फील्ड होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में अपने उनकी वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी आदि का अध्ययन किया। आज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझें उससे पहले अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं इनकी विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ्स होती हैं। इन सभी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सिस्टमेटिक अरेंज करना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यदि डिफाइन करें तो यूँ कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ द रेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी स्पेक्ट्रम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है रेंज, निश्चित रेंज। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग एनर्जी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है। यहाँ इसमें इस स्पेक्ट्रम में आप इधर की साइड देखिए, राइट हैंड साइड में रेडियो वेव, इनकी जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट 10^3 मीटर के लगभग, और इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो गामा रेडिएशंस हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो 10^-5 नैनोमीटर की रेंज में है। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें अलग अलग इलेक्ट्रो वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। इस स्पेक्ट्रम में आप इधर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो राइट में ये देखो जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्गर वेवलेंथ, और लेफ्ट में अपन देखें तो वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट है, शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस है। और इन एनर्जी की यदि बात करें तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो इधर की साइड जो रेडिएशंस हैं जैसे रेडियो वेव्स हैं इनकी एनर्जी कम होती है, और जो इधर की साइड जो रेडिएशंस हैं गामा रेडिएशंस इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अर्थात इसमें अपन द राइट से लेफ्ट की तरफ चलें तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। दूसरी फ्रीक्वेंसी की यदि बात करें तो फ्रीक्वेंसी इधर राइट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी कम है और इधर लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अर्थात फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है यदि अपन राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो स्पेक्ट्रम का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के अनुसार अरेंज करना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इस कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये एक छोटा सा क्षेत्र आता है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच, इसको अपन विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर भी खूब सारी रेडिएशंस होती हैं अलग अलग वेवलेंथ की, जिनका अलग अलग रंग भी होता है, अलग अलग कलर भी होता है। इसमें
ये वाली जो रेडिएशंस है रेड कलर की, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है या कहूँ एनर्जी कम होती है, और ये जो रेडिएशंस है ब्लू कलर की, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है या कहूँ वेवलेंथ कम होती है। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वेवलेंथ की, यदि बात करें तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज होती है। और इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर भी अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं। यहाँ देखो ये वेवलेंथ कम है 400 नैनोमीटर, जो डार्क ब्लू पर्पल कलर है, और ये जो रेडिएशंस है 800 नैनोमीटर की रेड, इनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है या कहूँ लोअर फ्रीक्वेंसी, अर्थात फ्रीक्वेंसी कम है। यदि विजिबल लाइट को, दृश्य प्रकाश को अपन प्रिज्म में से पास करें, तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि ये विजिबल लाइट में जो रेडिएशंस होती हैं जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, उनको स्प्लिट कर देता है अपनी वेवलेंथ के अनुसार या कहूँ एनर्जी के अनुसार, तो अपन को अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं। रेड कलर की जो रेडिएशंस होती हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वायलेट कलर की जो रेडिएशंस होती हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो विजिबल रीजन के अंदर अपन को 7 कलर के जो रंग दिखाई देते हैं वो इसी तरीके से हैं, पूरे क्रमवाइज यहाँ दिखाया गया है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर। ये संपूर्ण वेवलेंथ की रेडिएशंस मिलकर के विजिबल रीजन का निर्माण करती हैं। विजिबल, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसका नेचर प्रकृति के अंदर जो अच्छा उदाहरण मिलता है वो इंद्रधनुष का है, रेनबो का है। ये यहाँ पर आप इंद्रधनुष की इमेज दिखाई गई है। इंद्रधनुष के अंदर भी अपन को वही अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस या कहूँ अलग अलग कलर की तरंगे अपन को देखने को मिलती हैं, और उसी क्रम में मिलती हैं। यहाँ देखो रेड कलर की जो रेडिएशंस हैं वो सबसे ऊपर, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इसी क्रम में। यहाँ देखिए यहाँ पर ये रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ये वायलेट। इस तरीके से इंद्रधनुष के अंदर भी अपन को ये 7 कलर, 7 रंग देखने को मिलते हैं। आखिर इंद्रधनुष के पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, क्यों इंद्रधनुष बनता है, इसको अपन यहाँ इस इमेज में समझेंगे। ये वाटर के ड्रॉपलेट दिखाई गई है, वाटर की बूंद है। इसमें जब विजिबल लाइट पास होती है तो लाइट की ये प्रॉपर्टी है कि जब मीडियम चेंज होता है तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, अलग अलग रिफ्लेक्शन की वजह से अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन अलग अलग एंगल में रिफ्लेक्ट हो गई, और ये इस बाउंड्री से जब ये टकराती हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिलता है, और ये अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस और स्प्लिट हो जाती हैं, फिर पुनः रिफ्रैक्शन, एक बार दोबारा रिफ्रैक्शन होता है और पुनः ये रेडिएशंस वापस और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर के ये 7 रंग के जो कलर हैं अपन को यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इंद्रधनुष का जो फॉर्मेशन हुआ वो किस किस का रिजल्ट हुआ? कंप्लीट रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। इस तरीके से अपन को इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है और 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ये नेचर के अंदर भी अपन को विजिबल स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ये अपन ने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। अब जो वेव्स होती हैं उनकी कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं।
जो वेव होती है उनकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ किसको कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और थ्रोट्स, यानी जो वेव माइग्रेट करती है तो विद ओसिलेशंस के साथ में माइग्रेट करती है। तो ये इसका क्रिस्ट हुआ, ये क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट है, और नीचे ये थ्रोट्स हैं। तो वेवलेंथ कहेंगे दो एडजेसेंट क्रिस्ट के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई? वेवलेंथ। क्योंकि ये लेंथ है तो इसकी जो यूनिट होगी वो वही यूनिट होगी जो लेंथ की यूनिट्स होती हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, एट्सेट्रा। यहाँ ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो हैं लेंथ की, उनका आपस में रिलेशन दिखाया गया है। जैसे डेसीमीटर की यदि बात करें तो एक मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर की बात करें तो एक मीटर में 10^2 सेंटीमीटर होते हैं। उसी तरीके से यदि अपन मिली माइक्रोन की, एंगस्ट्रॉम की, पिकोमीटर की, इन सब की यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है मीटर के अंदर, यानी एक मीटर के अंदर इनकी क्या वैल्यू होती है, हाउ मैनी इन मीटर्स, यानी एक मीटर में ये कितनी होती हैं। तो वेवलेंथ होती है दो आजू बाजू के जो क्रिस्ट्स होते हैं उनके बीच की दूरी। अब वेव नंबर की यदि बात करें तो वेव नंबर होता है नंबर ऑफ द वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। देखो, वेव नंबर समझने से पहले अपन वेव को समझते हैं। एक वेव जो होती है वो एक कंप्लीट साइकिल होती है। एक साइकिल इज इक्वल टू 1 वेव। ये देखो, 1 वेव इज इक्वल टू क्या होती है? 1 साइकिल। और साइकिल का मतलब होता है कंप्लीट सर्किल। अब ये देखिए, एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। यहाँ ख़त्म हो रही है मतलब एक कंप्लीट सर्किल बन रहा है। यदि इसको यहाँ से इधर अटैच कर दे तो ये कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। तो ये यहाँ से और यहाँ तक एक वेव हो गई, और यहाँ से और यहाँ तक 2 वेव हो गई, और यहाँ से यहाँ तक 3 वेव हो गई, और यहाँ से यहाँ तक 4 वेव हो गई। तो यूँ कहें कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव हुई? 2 वेव हुई। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव हुई? 2 वेव। तो ये जो वेव्स हैं इनके वेव नंबर कितने हुए? 2 वेव पर सेंटीमीटर। और जो वेव नंबर होता है वो वेव लेंथ के जस्ट अपोजिट होता है, यानी वेव लेंथ इंक्रीज होगी तो वेव नंबर डिक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड की यदि बात करें तो एम्पलीट्यूड होता है जो क्रिस्ट होता है इसकी ऊंचाई, और ये जो थ्रोट्स होता है, जो गर्त होता है, इसकी गहराई, इसी को अपन एम्पलीट्यूड या आयाम, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। एक लीनियर डिस्टेंस जो कि वेव के द्वारा ट्रेवल की जाती है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जो वेव दूरी तय करेगी उसको अपन उसकी वेलोसिटी कहेंगे, और इसकी यूनिट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यदि बात करें तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ द वेव्स विच कैन पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। जैसे ये वेव पास हो रही है, यहाँ पर अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट इमेजिन किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, या नंबर ऑफ द वेव इन पर सेकेंड, या नंबर ऑफ द साइकिल्स इन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव या कितनी साइकिल पास हो रही है, इसको अपन इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी के यदि यूनिट देखें तो हर्ज्ड होती है, और 1 हर्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है? एक कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या ये कहूँ फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अर्थात ये वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, उस अनुपात में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी वेव्स की। वेव की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है इंटेंसिटी ऑफ द वेव, तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? नंबर ऑफ द वेव्स इन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। जैसे अपन ने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया,
इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितनी वेव होती हैं, उनकी संख्या वो उसकी इंटेंसिटी होती है, यानी वेव के नंबर बढ़ेंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, या कहूँ नंबर ऑफ द फोटोन्स इन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो फोटोन्स की संख्या है वो उसकी इंटेंसिटी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही।